गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था, पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा। हर बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा, स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी, वो गट्टू के सपने से नहीं बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार, कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ, मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है, उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो, सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है, जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा आपने कहा था ना, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुड्ढा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना, खाना पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा दरवाजा खोलो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल, सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी, उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई, अब इसका क्या करे। चिंकी बेटा तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो, गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा, जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है। चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए, उसे समझा बुझा कर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी।
उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू, तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते। तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है, एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई, वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है, रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहां अब किसी की सुनने वाला था, वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है, अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए, वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे।
अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था तभी वहाँ से दो लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं,
लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया।